अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? दिस इज योर बॉय अमीन मजीद और आज हम लोग जा रहे हैं बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस। हम लोगों की वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। चल झूठा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, वैसे ही जा रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह करे कि कहीं से चांस लग जाए। असल में मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखता हूँ तो इसीलिए जो है ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार जब भी कराची गया ना तो ट्राई ज़रूर करूँगा, कोशिश ज़रूर करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब घर पे बैठ के सोचने से थोड़ी हर चीज़ होती है, तो उसके लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। आई नो मुश्किल है, हो सकता है कि हमें अंदर भी ना आने दे या हो सकता है कि हम लोग एड्रेस भी तक भी ना पहुंच पाए, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है ना भाई जान। फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, फिर ये डिफेंस का एरिया है और हम लोग पहुंच गए हैं। अब विशान जो है ना पूछने गया है। हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्थ फ्लोर पे। हम लोग जो है ना जा रहे हैं, देख रहे हैं, मुश्किल से जो है ना मिला है रास्ता, क्योंकि डिफेंस में किसी से भी पूछो कोई बताता ही नहीं है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ये है कि मिल गया है रास्ता। गलत जगह थी, हम लोग गलत प्लॉट में घुस गए थे। पता नहीं लग रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था यही था, लेकिन बस जगह यही है, लेकिन जो है एंट्रेंस जो है ना वो दूसरा है इसका। तो इस भाई को सिविल की कंपनी नज़र आ गई है, तो यही चाहता है कि उसकी डिटेल लेके चले, हालांकि हम लोग गलत जगह पे घुस गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये डिटेल्स लेगा और उसके बाद आगे देखें, हो सकता है ये काम आ जाएगा। हाँ, इसने सीवी दे दी है वहाँ पे, अब देखते हैं, अगर कोई इसका काम हो जाता है तो इसका काम भला हो जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा इसको। फाइनली समवन सेड आपने बिग बैंग जाना है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑफिस है इनकी यहाँ पे। तो देखते हैं, ये एंट्रेंस से जाने लगे हैं हम लोग। हालांकि ये फ्लैट्स इतने अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, मुझे कॉल करवाया गया, फिर जो है ना मुझे परमिशन मिली ऊपर जाने की। तो अब मैं जा रहा हूँ फोर्थ फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर। आधा पौना घंटा हम लोगों ने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा है कि आप अपना वन लाइनर जो है ना सबमिट करवाएं। थोड़ा सा उन्होंने स्टोरी भी पूछी मुझसे, मैंने बताई उनको, तो आई डोंट नो, मैं भी उनको स्टोरी अच्छी लगी हो, तो उन्होंने कहा आप अपना जो है ना वन लाइनर सबमिट करवाएं। ठीक है, दो चार स्टोरीज़ का जो भी है आपका वन लाइनर सबमिट करवाएं। वो वन लाइनर ये लोग खुद चेक करेंगे पहले, फिर ऊपर जो है ना अपने डायरेक्टर्स को दिखाएंगे, अगर तो उनको अच्छी लगती है फिर वो ऊपर जो है ना चैनल के पास जाता है, अप्रूव होके आता है, फिर सारा प्रोसेस होता है। तो ये देखें, ये एक वॉल, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त, हर एक्टर की यहाँ पे जो लेजेंड भी हैं सबकी पिक्स यहाँ पे लगी हुई है। यार कोशिश करेंगे, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, टाइम लूँगा रिप्रेजेंट करने में, वन लाइनर देने में। तो ये देखें ये लोगो, ठीक है, कंपनी का
तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि दो चार लाइनर्स जो ना बना के स्टोरीज के और सबमिट करवाऊँ, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा पास, अगर नहीं हुआ तो अल्लाह मालिक के और भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं उसमें जाएंगे उनको देंगे, ठीक है। बाकी ये है कि यार उम्मीद नहीं थी विशाल, हाँ उम्मीद नहीं थी कि हमें जो है ना प्रोडक्शन हाउस मिलेगा, मतलब उनकी ऑफिस थी मिलेगी, कहीं ना कहीं से काम स्टार्ट तो हो रहा है। ये अभी हम लोग बिल्कुल नीचे पहुंच गए, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा और बाकी बातें जो है ना अभी हम लोग घर जाने लगे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। यार ऑफिस में जो है ना उन्होंने वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी, क्योंकि काफ़ी स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई थी जो अभी तक ऑनलाइन ऑन एयर नहीं हुई थी, काफ़ी ड्रामे की स्क्रिप्ट पड़ी ऑन एयर नहीं हुई और काफ़ी ड्रामे जो है ना वो एडिट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि यार आप लोग अंदर वीडियो में नहीं बना सकते, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। खैर रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, ये एक मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छी उन्होंने मतलब मौका कम से कम मौका तो दे रहे हैं, बाकी देखेंगे अल्लाह ने कहा तो हो जाएगा काम, नहीं हुआ तो फिर भी खैर है कहीं और ट्राई करेंगे। जिन जिन को वन लाइनर का नहीं पता, लेट मी टेल यू के वन लाइनर ये होता है कि जो आपकी स्टोरी है आप उसको प्रिसाइज करके लिखते हैं।